हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके सीईटी एग्ज़ाम की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों प्रथम पारी की दोस्तों आंसर की लेके आ चुका हूँ 6 नवंबर की। और दोस्तों 100% एकदम राइट दोस्तों आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो दोस्तों हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पंजो खरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला की स्मृति समर्पित है, किसको समर्पित है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों श्री हरकिशन साहिब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्री हरिकिशन यहाँ पे दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कौन सा कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों 74 डिग्री 27। तो 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकेंड से ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा के कुल कितने उपकोषाकार हैं? तो उपकोषाकार कितने हैं दोस्तों? 74 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्र की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों? 16,552 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में कृषि के व्यय की कुल बजट का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.3%। 4.3% इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो दोस्तों वार्षिक आय कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2,35,707 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई, तो कब शुरू की गई थी दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 मार्च 2005 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मार्च 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच विस्तार के 1923 में फजले हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? तो दोस्तों किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सर छोटू राम। छोटू राम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक धरनीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश के हरियाणा राज्य को संबोधित किया, तो किसने किया दोस्तों? आर्यन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य के रूप में प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा है? तो कौन सा घड़ा है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? झज्जर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पंचकुला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गुरुग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊँचा क्षेत्र कौन सा है? तो धोसी की पहाड़ियाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पे 76% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा के राज्य में अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई है? तो दोस्तों यहाँ पे पंचकुला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हरियाणा की किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हरियाणा
हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा से आने वाली निर्मल गोलिया का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों, जिमनास्टिक या कसरत, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग्गा क्या है दोस्तों? गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? भादों के चंद्रमास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल ए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, कोई वस्तु 3 सेकंड 9 मीटर चलती है, 3 सेकंड में 9 मीटर और 5 सेकंड में 23 मीटर दूरी तय करती है, तो उसी वस्तु की औसत आय कितनी हो जाएगी? तो 4 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल 35 यहाँ पे ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, HTTPS का परिवर्णी शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिक्योर वाला यहाँ पे हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, वर्ष 1960 के गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्यों के सृजन करने के लिए निम्न में से किस राज्यों के दो भागों में बांटा गया है? तो बॉम्बे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, निम्न में देशों में महिलाओं का मतदान का अधिकार देने वाले अंतिम देश कौन सा है? तो सऊदी अरब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नकद आरक्षित अनुपात CRR को किसने पास किया था, किसके पास रखा जाता है दोस्तों? भारत का वित्त आयोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का वित्त आयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के व्यापार को करने वाला सरलता के सूचकांक उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो पुर्तगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण की प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की सूची को सॉर्ट करने के लिए उसके अदला बदली किससे संदर्भित है? तो बबल सॉर्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा एड्रेस निकालता है और निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से उपकरण सूचना प्राप्त करने के लिए आउटपुट का काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट कौन करता है दोस्तों यहाँ पे? तो देखिए दोस्तों, LED डिस्प्ले, मॉनिटर, इंजेक्ट प्रिंटर, प्लाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आउटपुट का काम हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है? तो कौन सी झील है दोस्तों? बुलर झील यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन में जोड़े गए थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीचे दी गई कूट में से। तो दोस्तों इसमें से ये बताना है कौन से दो हैं? तो दोस्तों ए और डी, ऑप्शन दोस्तों ए और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक तथा बाह्य शोषणों का सुरक्षा करता है, ये ऑप्शन यहाँ पे दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग ASCO सदस्यों के अभिनय का 23 सितंबर 2022 के अनुसार संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्ताना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 5 संतरे, तो दोस्तों यहाँ पे इस आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं और बाकी के क्वेश्चन मैं आपके लिए करा चुका हूँ दोस्तों, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।